की निर्भया के लिए कांग्रेस नेता रविंद्र सावंत का जल सत्याग्रह, तालाब में खड़े होकर मांगा बेटियों के लिए न्याय। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। कांग्रेस पक्षाचा महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस मैदान में योगी सरकार हाय हाय, योगी सरकार हाय हाय, योगी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। कांग्रेस पक्षाचा विजय असो, कांग्रेस पक्षाचा विजय असो, कांग्रेस पक्षाचा विजय असो। राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। हाथरस के निर्भया के साथ हुए हैवानियत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस नेता रविंद्र सावंत ने आज नेरुल में जल सत्याग्रह चलाया। मोदी और योगी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। नवम्बई कांग्रेस प्रवक्ता और इंटक जिलाध्यक्ष रविंद्र सावंत ने कहा कि पीएम मोदी और भाजपा सरकार एक तरफ तो जहां बेटी बचाओ का नारा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले दरिंदों को बचाने में जुटी है। सावंत ने पीएम मोदी और योगी सरकार से बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। आज आम्ही मोदी सरकार आणि योगी सरकारचा दोघांचाही निषेध करत आहोत, कारण की हाथरस प्रकरणी हे योगी सरकार पूर्ण निष्क्रिय ठरलेलं आहे। कारण योगी सरकारने राजीनामा द्यावा, योगी सरकारने त्यांचा मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा दिला पाहिजे, कारण की आज हाथरस प्रकरणामध्ये पूर्ण आरोपींना पाठीशी घालणारे हे योगी सरकार आहे। आज आरोपी बिनमोकाट फिरत आहेत। आज हे किती महिलांनी अत्याचार सहन करायचा याचा आम्ही पूर्ण निषेध करत आहोत। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, योगी सरकार मोदी सरकार हाय, योगी सरकार हाय हाय। यहाँ जल सत्याग्रह में तमाम महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और भाजपा सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज देश भर में बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, लेकिन भाजपा सरकार के अधिकारी बलात्कारियों को बचाते दिख रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हाथरस इथे ज्या मुलीबरोबर अत्याचार झालेला आहे मनीषा नावाच्या मुलीवरती, त्याचा आम्ही इथे निषेध करत आहो। मोदी सरकार आणि योगी सरकारचा, या BJP सरकारचा आम्ही निषेध करत आहो। योगी सरकारने मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे। जर प्रियंका गांधीजी आणि राहुल गांधीजी एक खासदार असताना सुद्धा त्यांच्याबरोबर गैरवर्तणूक केल्या जाते, सर्वसामान्यांवरती किती अत्याचार होत असतील, यासाठी आम्ही त्यांचा राजीनामा मागत आहोत। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।